21 जून हा जागतिक योग दिवस म्हणून संपूर्ण भारतात साजरा केला जातो। या दिनाचे औचित्य साधून राधाकृष्ण हॉस्पिटल अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट वर्धमान नगर येथे ध्यान योग प्राकृतिक चिकित्सा व आयुर्वेदाच्या माध्यमातून येत्या 20 जून ते 27 जून पर्यंत आनंदमय जीवन महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे। या 7 दिवसाच्या आयोजनाचे संचालन गुरुमाई दादामुनी राजा भैया नॅचरोपॅथी व आयुर्वेदाबद्दल मार्गदर्शन करणार आहेत। तरी या आयोजनाचे लाभ नागरिकांनी घ्यावेत असे आवाहन राधाकृष्ण हॉस्पिटलचे संचालक गोविंद पोद्दार यांनी केले आहे। की नॅचरोपॅथी के माध्यम से भी काफी आपको राहत मिला है, तो हम इस विषय पे आपसे जानना चाहेंगे। ऐसा है कि नेचुरोपैथी और योगा और ध्यान ये एक सरल पद्धति है, पर इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए पड़ता है। मेरा अभी मुझको प्रॉब्लम हुआ था इसका, श्वास लेने का, और मेरे साल डेढ़ साल मैंने नागपुर बॉम्बे दिल्ली इलाज करने की कोशिश किया तो मेरा इलाज नहीं हुआ। तो मैंने एक संगमनेर नासिक के पास नेचुरोपैथी सेंटर है, वहाँ 7 दिन रहा, तो वहाँ मेरे ये श्वास प्रक्रिया का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ। मैं डेली 500 कदम नहीं चल पाता था पूरे दिन में, मैं मोबाइल में नोट करता था। 7 दिन के अंदर मैं रोज वहाँ 6,000 7,000 10,000 कदम चलने लगा हूँ, और उसका मेरे पास मोबाइल में रिकॉर्ड है। गुरुमाई कल्याणी अय्यर करके है, जो BA BEd LLB है, वो 15 वर्ष से सेवा दे रही है, वो 7 दिन का कार्यक्रम का संचालन करेगी, और हर दिन एक एक्सपर्ट आचार्य इसमें आके कार्यक्रम में भाग लेंगे और लोगों को जानकारी देंगे। तो 21 तारीख को हमारे आचार्य श्री दादा मुनि, जिन्हें राजा भैया के नाम से भी जानते हैं, वो मेरे बाजू में ही है, मैं वो आपको योगा डे के बारे में जानकारी देंगे। और इस कैंप के अंदर मैं नागपुर की जनता से, आजू बाजू की जनता से आह्वान करूंगा कि इस शुभ अवसर का लाभ लेवे। उनके रहने की खाने पीने की सभी प्रकार की व्यवस्था की है। आपको जो भी जानकारी होना आप मेरा नंबर लिख लीजिए और मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9421400000। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9421400000। इस प्रकार का ये कार्यक्रम संक्षिप्त में मैंने आपको बताया है। नागपुर की जनता ने, बच्चों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने और पुरुषों ने और सीनियर सिटीजन सब ने भाग लेना चाहिए, जिससे नेचुरोपैथी क्या है ये उनके जीवन को आनंदमय कैसे बना सकती है, और योगा डे जो आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस बन गया, इसमें हमारे एक्सपर्ट्स हर दिन 20 तारीख से आएंगे, और 21 तारीख का जो योगा डे है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग संलग्न हो, यही मैं आज इस अवसर पे आह्वान करना चाहूँगा। 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर हम खास मुलाकात करने वाले हैं डॉक्टर राधाकृष्ण हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के तरफ से आयोजन होने वाला प्रोग्राम ध्यान योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेदिक के माध्यम से नागपुर में पहली बार आनंदमय जीवन महोत्सव होने वाला है। इस बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे दादा मुनि राजा भाई हांडा सर से, जिन्हें 25 साल का अनुभव है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। तो मैं बतलाना चाहूँगा कि अलग अलग विषय पे अलग अलग लोग हैं, कि जैसे कि ध्यान योग प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद का लाभ, ये अलग अलग विषय के तज्ञ लोग आके इस पे बात करेंगे। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने, जैसे कि हम जानते हैं, अपने समाज का जो वर्ग सब में उपेक्षित है वो कौन है? वो स्त्री वर्ग है। स्त्री वर्ग क्यों उपेक्षित है? क्योंकि वो अपने आप को उपेक्षित रखते हैं। क्यों उपेक्षित रखते हैं? क्योंकि सुबह उठते से अपने घर परिवार के प्रति समर्पित होके वो काम को लग जाते हैं। एक डेढ़ घंटे का जिम करना या योगा करना, इसको उनकी प्राथमिकता होती नहीं है। तो उनके लिए करके घर बैठे मैंने साधना क्रिया विकसित की,
जिसको चौकस अवकस नाम से जाना जाता है। सुबह उठते से रात को सोए तक अपना जीवन कैसा हो, ये सहज जीवन साधना, इस पर भी मैं भाष्य करता हूँ। निकट के भविष्य में इस पे मेरा पुस्तक भी आ रहा है। अब रही बात स्वास्थ्य संवर्धन साधना की, जिसको मैं चौकस अवकस करके नाम दिया हूँ। ऐसा है कि स्त्रियों के लिए सहज, सरल और सुलभ ताली बजाने वाली इतनी ऐसी आसान क्रियाएं मैंने विकसित की है। जैसे कि गत वर्ष की बात किया जाए तो मेडिकल कॉलेज के डीन साहब के कहने पे मैंने योग दिवस का कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज नागपुर में शिरकत की थी। उसके बाद पुलिस कमिश्नर साहब के कमिश्नरेट में, पुलिस हेडक्वार्टर में भी मेरा कार्यक्रम हुआ। इस तरीके से अभी का कार्यक्रम अपने राधा कृष्ण हॉस्पिटल और रिसर्च इंस्टीट्यूट में हम करने जा रहे हैं 21 तारीख को योग दिवस के अवसर पर।